दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत, मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स। जो आज मेरे स्टार हैं, मैं कहूंगा कि मल्टी टैलेंटेड, स्पेशली अगर मैं बात करूं एक वुमेन इन पावर की, क्योंकि इन्होंने एक एग्जांपल दी है। पिछले 10 साल से इवेंट्स करवा रहे हैं, मैं होली का इवेंट करवा रही हूँ होम बुश में, और पिछले बस 10 साल से मैं कहूंगा कि सोशल लाइफ इनकी बहुत ही जबरदस्त बिजी है, क्योंकि ये कम्युनिटी की बहुत सपोर्ट करते हैं एंड कम्युनिटी में काफी इन्वॉल्व हैं और मॉडलिंग की दुनिया में भी हैं। अभी ये फाइनलिस्ट लिस्ट में आ चुके हैं 2021 में, जो मार्च में इवेंट होने जा रहा है। तो आइए आज आपकी स्पेशल मुलाकात प्रिया जी से, प्रिया जी से बात करते हैं। प्रिया जी, स्टूडियो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगी वरुण जी, जो आपने मुझे आज ऐसे मौका दिया आपके चैनल में बात करने के लिए। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपका ये चैनल देख के, क्योंकि जो यूथ आ रहे हैं अपना टैलेंट दिखा नहीं पा रहे हैं, उनको ऑल द वे बॉलीवुड जाना पड़ता है बॉम्बे। बट आपने एक चैनल खुला है जिससे आप उन टैलेंटेड यूथ को आप बढ़ावा देंगे और यू नो फ्यूचर क्रिएट करेंगे उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। प्रिया जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये 10 साल का सफर कौन सा इवेंट्स में निकाला है, और आप कम्युनिटी में भी काफी एक्टिव हैं, काफी सपोर्ट करते हैं, स्पेशली वुमेन्स को आप कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई? अच्छा, तो मैं पहले से ही मुझे लोग ऐसे पहचानते हैं कि पीपल्स पर्सन या तो मैं जिसको भी देखती हूँ हेलो हाय करके मैं दोस्त बना लेती हूँ। वाओ, तो फिर मैं होमबुश जब आई 2008 में, तो मुझे पहला ये था कि हम इंडिया से तो आ गए बट हम अपना ट्रेडिशनल कल्चर ये नहीं भूलेंगे हम। तो होली एक त्योहार है जहाँ हर सब लोग मिल सकते हैं, और जितना भी गले सिकवे हो उस दिन हम मिल लेते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो होली बनाते हैं। और पहले शुरुआत मैंने यकीन नहीं करेंगे 10 वुमेन के साथ मैंने स्टार्ट किया, और ऐसे हर साल होते 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 अब तो 3-4 साल के बाद 100 पीपल लोग आ गए ग्रुप में आ गए, और सब लोग बोले कि ये इतना अच्छा त्योहार है, यही मौका है, हम सब एक दूसरे को मिलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे होली। और स्पेशली बच्चों को मालूम नहीं था कि ये होली क्यों हो रहा है जी। तो अब करीब 10 साल हो गया लास्ट ईयर, उसमें मैं जोरी मैकेन को भी बुलाती हूँ, उनका पूरा स्टाफ को बुलाती हूँ, और लास्ट ईयर इट वाज वेरी बिग इवेंट। तो उससे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ दौड़ती रहती हो इधर उधर, तो वो उनको मैं बता नहीं सकती किस लिए मैं दौड़ती हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे एक खुशी मिलता है कि चलो भाई सब लोग एंजॉय किए, यू नो। सो ऐसे हो कि मैं कम्युनिटी के सब लोगों से मैं बोलती हूँ कि आपको कोई भी मुश्किल हो, कहीं आपको प्रॉब्लम हो, आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो ऐसे कम्युनिटी में काफी सारा प्रॉब्लम्स आए हैं और मैंने उनको झेला है इन द सेंस आई टुक इट वेरी पर्सनली एंड आई सॉल्व इट। दैट्स रियली गुड कि अपने टाइम में से, समय में से, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली निकाल के कि उसके बीच में लोगों की प्रॉब्लम्स या लोगों की कितनी अपने अपने तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। हाँ, मैंने तो पूरा आई हैव सेव्ड लाइफ फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, एंड फिर मैं कुछ लोगों वुमेन लोग जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उनको बहुत एनकरेजमेंट एम्पावरमेंट दिया है, और किसी का कब कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होता है तो मैं उनको हौसला देती हूँ कि नो नेवर स्टॉप बैक, बेसिकली माय रूट इज फ्रॉम भुवनेश्वर, आई एम फ्रॉम ओडिशा,
बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे. ओके ग्रेट. सो सेलिया आए हुए कितना समय हो गया? हो गया करीब 20 साल. 20 साल सा लॉन्ग जर्नी. या सो मैं क्या कहना चाहती थी, जब आप डांस में क्या क्या करते हैं, और मैं साथ साथ में ये भी पूछूंगा कि व्हेन यू स्टार्टेड अप, ठीक है, तो और आज के टाइम में जो आपने अचीवमेंट्स की हैं, जो उनसे आपने प्रूफ किया है कि मॉडलिंग की दुनिया में भी कभी भी आप आ सकते हैं, कभी भी काम कर सकते हैं, और अपनी एक पहचान बनाई है आपने, एंड अभी आप फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो व्हाट आर योर फीलिंग? It's a very liberating feeling. I'm proud of myself, and this is not what I'm going to do for myself. I want to prove for all women, whenever you get an opportunity, grab it and then you face it. Never put down yourself, because people are there always say that you can't do it. So I want to show that how you become confident. That's very nice. So participating. So any opportunity is coming, you never know that opportunity will take where. So that's why it's not about beauty, it is not about anything else, it is about confidence and how you are good in communication skill. That the content or the subject with you, it is within you, you want to express, and it should reach to the women empowerment. That's great. We wish you best of future on your future projects, and we always just say we're proud on you because you're doing very well in the community. And आपके कैसे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. और चाहते जाते जो लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ वुमेन्स कुछ करना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हमेशा एक्चुअली मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं. 2021 में मिस ऑस्ट्रेलिया, मिस ओसनिक एंड मिस न्यूजीलैंड World Universal Pageant Show is going to happen on March. So I have been already chosen as a finalist for 2021. So my message to all women is that be kind to everyone, and give your love, affections within the women, so that we can empower. So that is the main thing. We should be kind to each other. Great, and best of luck for your future projects, and best of luck for this great exciting thing you are going to do in the modeling show for the New Zealand and Australia and all universe. And congratulations once again coming in the finalists. And दोस्तों आज हमने की प्रिया जी से कुछ बातें and जाना कि इनका सफर. तो मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार्ट टॉक. मैं आपको अपना वरुण तिवारी और मेरे साथ आज है प्रिया जी. थैंक यू सो मच.